Assalamu alaikum, my name is Raja Fiaz and you are watching my channel Multi House Videos. आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी. काफ़ी टाइम से मैं जो है किसी काम से गया था और अब जो है वापस आ चुका हूँ. काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि बूटेबल यूएसबी कैसे बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी बूटेबल यूएसबी कैसे बना सकते हैं, यानी कि एक यूएसबी में आप 3, 4, 5 विंडो या जितनी चाहें उतनी विंडो बना सकें बूटेबल. यानी कि अगर आप कंप्यूटर वर्किंग करते हैं या कंप्यूटर की शॉप है आपकी या कंप्यूटर के हवाले से कुछ काम करते हैं तो आपको यूएसबियाँ या विंडोज़ की सीढ़ियों की ज़रूरत पड़ती है. यानी कि एक्सपी विंडो की सीढ़ी अलग, डीवीडी अलग और विंडोज 7 की डीवीडी अलग, ये काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं. अगर यूएसबी बूटेबल बनाते हैं तो अलग अलग में यूएसबी भी यानी कि काफ़ी सारी आपको रखनी पड़ती है. लेकिन इसमें आपका मसला, इन चीज़ों का मसला हल हो चुका है. इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक ही यूएसबी में आप सारी विंडो कैसे रख सकते हैं और किसी भी सिस्टम में लगा के कोई भी विंडो आप चाहें वो कर सकते हैं. तो चलें देखते हैं. तो सबसे पहले जो है आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी. ये पड़ा हुआ है, ये आप जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या मेरी इसी वीडियो के नीचे जाके नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड के बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक करने के बाद जहाँ आपने इंस्टॉल करना है या इसको एक्सट्रैक्ट करना है आप वहाँ का इसको लोकेशन दें और एक्सट्रैक्ट करें. मैंने सी का दिया है यहाँ पर क्योंकि मेरे पास सी में काफ़ी स्पेस है. थोड़ा सा वेट कर लें. बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है. तो ये जो है इंस्टॉल हो चुका है. ये रहा, ये देखें आपने इसे ओपन करना है. तो ये इस तरीके का ओपन होगा आपके पास. अब जो है आपने यूएसबी लगानी है. तो यूएसबी लगाते ही ऑटोमेटिक आपकी जो यूएसबी है वो ओपन कर लेगा, उठा लेगा. ये देखें मैंने एक यूएसबी लगाई है, इसने ऑटोमेटिक जो है वो यूएसबी उठा ली. तो अगर आप मल्टी बूटेबल यूएसबी बना रहे हैं तो कम से कम आपके पास जो है 16 GB होनी चाहिए. मैंने 4 GB की यूएसबी लगाई है, मैं यूएसबी को चेंज करता हूँ. आपने कम से कम जो है 16 GB की यूएसबी रखनी है अगर आपने मल्टी बूटेबल यूएसबी बनानी है, क्योंकि विंडोज 7 का जो सेटअप है वो तकरीबन है 3.5-4 GB का. विंडो 8 का भी तकरीबन इतना ही है, लेकिन विंडो XP का जो है वो 700 MB या 800 MB का सेटअप है. तो अगर विंडो 7 और 8 करते हैं तो आपका तकरीबन 8 GB से ऊपर यही बन रहा है. तो 8 GB या 4 GB की USB यहाँ पर नहीं चलेगी. तो कम से कम आपने 16 GB की USB लगानी है. मैं 16 GB की USB लगाता हूँ. तो मैंने जो है यहाँ पर 16 GB USB कनेक्ट किए. उसके बाद जब ये आपकी USB उठा ले तो सबसे पहले अगर विंडो करनी है तो आपने इसमें टिक करना है. अगर 7 वगैरह करनी है तो आपने इसमें टिक करना है. और उससे पहले आप एडवांस पे क्लिक करें. एडवांस पे क्लिक करने के बाद कस्टम नेम पे क्लिक करें.
पर क्लोज कर दें ताकि हर विंडो का अलग नेम आप दे सकें। अब जो है आपने अगर 7-8 बना रहे हैं 7-8-8, तो आप इस पर क्लिक करें। करने के बाद यहाँ पर फिर सेलेक्ट करें जहाँ आपकी फाइल पड़ी हुई है ISO की। तो ये फाइल यहाँ पर पड़ी है। तो सबसे पहले विंडोज 7 को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन। ओके, अच्छा, पहले आप USB को जो है फॉर्मेट कर लें। और अगर आप यहाँ से फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट पे सेलेक्ट कर दें, ऑटो फॉर्मेट, और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। आप फाइल को सिलेक्ट करें, विंडोज 7, ओके, और अब जो है गो पे क्लिक कर दें, यस कर दें, यस कर दें। तो ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पर जो है ये नेम मांग रहा है कि आपने इस विंडो का नेम क्या देना है। तो क्योंकि ये विंडो 7 है तो हम इसको जो है विंडो 7 लिखते हैं। विन 7 लिख के ओके कर देते हैं। ओके ओके, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं Win 2 7। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर जो है प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी फौरन ही। अभी तक जो है प्लीज वेट पे लगा हुआ है। बहुत आसान है ये, मुश्किल नहीं है। ये जो है शुरू हो चुकी है। तकरीबन ये विंडो की जो साइज है वो है 3.89 GB, यानी कि आप कह सकते हैं कि पौने चार GB की जो है फाइल है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने कलेक्ट हो चुके हैं या कितने कलेक्ट होंगे फाइल, ये देखें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ी सी आगे बढ़ा देता हूँ ताकि आपका टाइम कम लगे। तो जनाब ये जो है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ऑप्शन भी आ गया जॉब डन। तो इसके बाद आपने जो नेक्स्ट विंडो करनी है, नेक्स्ट विंडो पे आपने ऑटो पे सिलेक्ट नहीं करना, ऑटो फॉर्मेट पे। अगर ऑटो फॉर्मेट से पे सिलेक्ट करेंगे तो पुरानी जो विंडो हुई हुई है वो डिलीट हो जाएगी। तो आपने जो है डायरेक्टली अगर विंडो 8 करना चाह रहे हैं, कोई और करना चाह रहे हैं, डायरेक्टली इस पर टिक करें। और जैसे कि मैं विंडो 8 करना चाह रहा हूँ तो विंडो 8 पे मैंने सिलेक्ट किया, ओपन किया, ओके। ओके के बाद ये जो है प्रोसेस जो है शुरू हो रहा है, रेडी टू गो।
और विंडो 8 का जो मेरा सेटअप है वो है 4.36 GB का। थोड़ी देर में ये सेटअप भी स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, मैं दोबारा गो पे क्लिक करता हूँ। अब स्टार्ट हुआ है। प्रिपेयरिंग NTS बूट फाइल प्लेस फाइल। थोड़ा सा वेट लेने के बाद ये जो है ये भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो है वेट पे लगा हुआ है। तो ये जो है सेटअप स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि सेटअप जो है स्टार्ट है। तो मैं जो है यहाँ पर भी थोड़ी सी वीडियो को आगे भगा देता हूँ ताकि जो है आपका टाइम कम लगे। तो जनाब ये सेकेंड विंडो भी जो है वो डन हो चुकी है, जॉब डन। तो मैं इसको ओके करता हूँ और इसको एग्जिट कर देता हूँ। तो मेरी जो ये एक USB है इसमें इस वक्त दो बूटेबल दो विंडोज़ मौजूद हैं, 7 और 8। तो आप इसमें चाहें 3 भी कर सकते हैं, इसी तरीके से 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। और अगर आपकी कंप्यूटर की शॉप है तो आप इसमें जो है डायरेक्टली ड्राइवर भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ड्राइवर कॉपी डायरेक्टली आप पेस्ट कर दें ताकि अगर आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़े तो आप इसी USB से ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियोस है पसंद आई होगी और मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे जितनी भी वीडियोस हैं वो आप मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।